तो हेलो गाइस, कैसे आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल ग्लोबल आईटी में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ड्राफ्टमैन सिविल थ्योरी सेकेंड ईयर लेसन नंबर 4 इस्पात संरचना या स्टील स्ट्रक्चर। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अपना क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले बता दूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, और जो भी बच्चे कुचे बच्चे हैं उनको भी आप लोग जल्दी से शेयर कर दो हमारा वीडियो, जिससे उनको भी थोड़ी बहुत मदद मिल सके। ठीक है, तो चलो फिर आज का हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी स्टील में एंड हुकों की आवश्यकता नहीं होती है। माइल्ड स्टील की छड़ों में, गोल छड़ों में, टार्क स्टील में, स्टील की छड़ों में। तो ये पूछ रहा कौन सी स्टील में एंड हुकों की आवश्यकता नहीं होती है। तो जो टार्क स्टील होती है इसमें एंड हुकों की आवश्यकता नहीं होती आता है। तीसरा नंबर एकदम सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देते हैं, रिवर बेड में बनाई गई अस्थाई प्रस्तंभ को निम्न में से क्या कहा जाता है। पिलर, कॉलम, कैसन, क्रिब्ज। तो जो रिवर बेड में अस्थाई प्रस्तंभ बना होता है उसको हम लोग क्रिब्ज कहते हैं। ठीक है, क्रिब्ज याद रखिएगा, क्रिब्ज मतलब चौथा नंबर बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी रिवेट के छेद का सांकेतिक व्यास 30 मिलीमीटर हो तब रिवेट के छेद का सकल व्यास निम्न में से कितना होगा। 30 मिलीमीटर, 31 मिलीमीटर, 32 मिलीमीटर और 33 मिलीमीटर। तो इसका सांकेतिक व्यास, जो सकल व्यास है वो हमारा हो जाएगा 32 mm। ठीक है, 32 mm मतलब 32 मिलीमीटर था। तीसरा नंबर क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओवरलैप प्लेटों के किनारों के समांतर, ओवरलैप प्लेटों के किनारों के समांतर रिवेटों की एकल लाइन को क्या कहते हैं। सिंगल लैप जोड़, सिंगल रिवेटेड लैप जोड़, सिंगल लैप जिगजैग जोड़, ओवरलैप जोड़। तो जो ओवरलैप प्लेटों के किनारे होते हैं उनके जो समांतर रिवेट होते हैं, ठीक है, समांतर रिवेट लगे होते हैं, उनकी एकल लाइन को क्या कहते हैं। तो उनकी एकल लाइन को हम लोग सिंगल रिवेटेड लैप जोड़ कहते हैं। ठीक है, मतलब दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, छत के बंधनों में तनन अवयवों को निम्न में से क्या कहते हैं। मुख्य बीम, स्टड्स, स्टैंडिंग बीम, टाई बीम। तो छत के बंधनों में तनन अवयवों को निम्न में से हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग टाई बीम कहते हैं। ठीक है, टाई बीम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेल्ड किए हुए प्लेटों के गर्डरों को कहाँ तक प्रयोग में किया जा सकता है। 100 मीटर के स्पान तक, 120 मीटर के स्पान तक, 150 मीटर के स्पान तक और 200 मीटर के स्पान तक। ये बता रहा है वेल्ड किए हुए प्लेटों के गर्डर जो होते हैं उनको हम लोग कहाँ तक प्रयोग कर सकते हैं। तो उनको हम लोग 100 मीटर के मुश्किल से 100 मीटर के स्पान तक प्रयोग में ला सकते हैं। ठीक है, मतलब पहला नंबर हमारा जो क्वेश्चन है बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक समान गहराई हेतु उपयुक्त खंड होता है ISBMB, ISHB, ISLB और चौथा है ISWB। ठीक है, तो इसका सही जवाब है दूसरा नंबर ISHB। ठीक है, एक समान गहराई हेतु उपयुक्त खंड ISHB होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन से रिवेटेड ज्वाइंट नमन प्रतिबल से मुक्त होता है। नमन प्रतिबल से मुक्त होता है, ठीक है, लैप जोड़, दोहरे आवरण प्लेटों के साथ बट जोड़, एकल आवरण प्लेटों के साथ बट जोड़, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है, ये पूछ रहा है, पहले समझिए, रिवेटेड ज्वाइंट नमन प्रतिबल से कितना मुक्त होता है। ठीक है, तो एकल आवरण प्लेट के साथ बट जोड़ कितना मुक्त होता है, एकल आवरण प्लेटों के साथ बट जोड़ मुक्त होता है। ठीक है, मतलब तीसरा नंबर बिल्कुल सही जवाब है।
अगला क्वेश्चन है, बोल्ट अधिक उपयोगी होते हैं बंकन में, कर्तन में, पहला दूसरा दोनों में, अक्षीय तनाव में। तो बोल्ट अधिक उपयोगी कब होते हैं? अक्षीय तनाव में, ठीक है, मतलब चौथा नंबर क्वेश्चन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, फ्लेट वेल्ड की प्रभावी लंबाई किससे कम नहीं होनी चाहिए? जो फ्लेट वेल्ड होती है उसकी प्रभावी लंबाई किससे कम नहीं होनी चाहिए? बेल्ट आकार के 2 गुने से, बेल्ट आकार के 5 गुने से, बेल्ट आकार के 6 गुने से, बेल्ट आकार के 4 गुने से। तो फ्लेट वेल्ड की प्रभावी लंबाई हमारी बेल्ट आकार के 4 गुने से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कितने गुने से? 4 गुने, याद रखिए आप लोग, 4 गुने, ठीक है। तो हमारा आज का क्वेश्चन यही तक था, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले गाइस नमस्कार।